गाइस, आई एम विशाली कीकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं VLSI टेक्नोलॉजी। इन VLSI टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग और इस पर कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं CMP पे तो जाइए, पुरानी वीडियोस देख आइए, आपको पता लगेगा CMP होता क्या है, इसकी नेसेसिटी, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, स्लरी क्या होता है, ये सब हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द CMP प्रोसेसेस। CMP की प्रोसेसेस को डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि CMP की प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करना है। पहले तो हम CMP देखेंगे ऑक्साइड के लिए। सो ऑक्साइड ये डाइइलेक्ट्रिक रिमूवल के लिए एक प्रोसेस होती है, पूरी उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसका मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर मेटल रिमूवल के लिए जो मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसका प्रोसेस देखेंगे। नाउ कमिंग टू द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का क्या होता है? एंड पॉइंट मीन्स कि जो पूरी प्रोसेस है उसको स्टॉप कब करना है, राइट? प्रोसेस को स्टॉप कब करना है। स्टॉप करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर्स को हम एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट डिटेक्शन के मेथड क्या है, कैसे हमें पता लगेगा कि CMP हो चुका है और अब हमें स्टॉप कर देना है प्रोसेस को, राइट? सो ये सब चीजें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट वन। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द ऑक्साइड CMP। ऑक्साइड CMP डेवलप कब हुआ था? mid-1980s में IBM ने डेवलप किया था, राइट? सो ऑक्साइड CMP मींस जो भी ऑक्साइड लेयर है या फिर डाइइलेक्ट्रिक लेयर है उसका मैकेनिकल पॉलिशिंग करना, राइट? अब जो ऑक्साइड CMP है उसको करने के लिए कंबाइंड नॉलेज चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए फॉर द ग्लास पॉलिशिंग एंड फॉर द सिलिकन वेफर पॉलिशिंग। तो ग्लास पॉलिशिंग और सिलिकन वेफर पॉलिशिंग दोनों के लिए कंबाइंड एक्सपीरियंस और नॉलेज रिक्वायरमेंट है। अब पूरी प्रोसेस को समझते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं, राइट? सो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल्स होते हैं ऑन बोथ ऑफ द फिल्म एज वेल एज सिलिका सरफेस। फिल्म के सरफेस पर और सिलिका के सरफेस पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस रहते हैं। नाउ ये जो हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, राइट? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं सिलिका और सरफेस के अंदर, राइट? विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है सिलिका और सरफेस के अंदर। अब ये पूरा मैकेनिज्म मैं आपको पिक्चर्स के साथ भी समझाऊंगी। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है उसके बाद क्या बनता है? मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है सिलिका और सरफेस के अंदर, राइट? अब इसके बाद क्या होता है? मैकेनिकल रिमूवल होता है विद द पार्टिकल्स दैट आर बॉन्डेड विद वेफर सरफेस। जो वेफर सरफेस के साथ पार्टिकल्स बॉन्डेड होते हैं उनका मैकेनिकल रिमूवल कराया जाता है, राइट? राइट, जिससे कि क्या होता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स फिल्म के ऊपर है, वेफर सरफेस के ऊपर, वो टियर अवे हो जाते हैं और उनकी पॉलिशिंग हो जाती है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है ये सिलिका है, राइट? यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल आयन है। इस हाइड्रोक्सिल आयन का और इस हाइड्रोक्सिल आयन का क्या हुआ है? सबसे पहले ये क्लोज आएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है दोनों हाइड्रोजन के बीच में, राइट? सो पूरा ऑक्साइड सिलिका ऑक्साइड CMP प्रोसेस आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो है सिलिकन ऑक्साइड सरफेस है, जो लेयर है, ऑक्साइड लेयर है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन है और ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है, राइट, यहाँ पर भी हमारे पास OH आयन है, राइट? सो इन दोनों ने क्या करा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप ने आकर यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर भी OH ग्रुप था, यहाँ पर भी OH ग्रुप था, दोनों ने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया है और ये जो सिलिकन वाला ग्रुप था ये ग्रुप आकर यहाँ पर कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन से और ये वाटर यहाँ से रिमूव हो गया है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना, इस पार्टिकल का, एब्रेसिव पार्टिकल का मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया सिलिकन ऑक्साइड के साथ, राइट? ये जो सिलिकन ऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ। नाउ अब जो एब्रेसिव पार्टिकल के साथ जो ग्रुप बना है उसको हम मैकेनिकल रिमूवल करवा देते हैं। तो ये जो मैकेनिकल रिमूवल हुआ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से सिलिकन रिमूव हो गया इजिली। सो नाउ कमिंग टू द टंगस्टन CMP। ऑक्साइड CMP की प्रोसेस समझ आ गई होगी। नाउ द टंगस्टन CMP, टंगस्टन क्या करता है, प्लग्स बनाता है जिससे कि मेटल लाइंस कनेक्ट हो जाती हैं डिफरेंट लेयर्स के बीच में, राइट? यहाँ पर हमें टंगस्टन HVAC प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है और साथ में टंगस्टन CMP प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है, राइट? यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो फ्लोरीन बेस्ड टंगस्टन रिएक्टिव आयन एचिंग HVAC प्रोसेस होती है। सो फ्लोरीन बेस्ड टंगस्टन RIE HVAC प्रोसेस को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये प्रोसेस इन सीटू कराई जाती है, मीन्स उसी हार्डवेयर के अंदर कराई जाती है जहां पर टंगस्टन की केमिकल वेपर डेपोजिशन कराया जाता है,
राइट, तो पहले टंगस्टन का केमिकल वेपर डेपोजिशन करा दिया जाता है, उसी के बाद उसी हार्डवेयर के अंदर इन सीटू में जाकर ही यहाँ पर टंगस्टन की पॉलिशिंग की जाती है, राइट, इस क्लस्टर टूल के अंदर ये दोनों प्रोसेस हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिसेसिंग हो जाती है टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड बैरियर और एडिशन लेयर का, क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या करता है, केमिकल एचिंग करता है टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड का, जिससे चिप की ईल्ड अफेक्ट हो जाती है, राइट। सो टंगस्टन सीएमपी में अगर हमारे पास टंगस्टन सीएमपी हमने कराई है तो हमारे पास हायर ईल्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिसेस ऑफ टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड ड्यू टू टंगस्टन एच बैग। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ब्लू लेयर है, डार्क ब्लू लेयर है, ये है हमारी टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड बैरियर और एडिशन लेयर। टंगस्टन को यहाँ पर फिल कराने के लिए हमें टाइटेनियम या टाइटेनियम नाइट्राइड की बैरियर या एडिशन लेयर चाहिए होती है, राइट। अब यहाँ पर टंगस्टन को अगर हमें यहाँ पर सीएमपी करानी है तो टंगस्टन की सीएमपी के दौरान टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड एक्सेस में रिमूव हो जाता है। सो इसे क्या बोलते हैं, रिसेस कॉज्ड बाय द एच बैक ऑफ टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड, राइट। सो यहाँ पर ये जो रिसेस कॉज्ड हो गया है इसकी वजह से ईल्ड अफेक्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ टंगस्टन रिमूवल के लिए दो कंप्लीटिंग रिमूवल मैकेनिज्म है, पहला है वेट एच जो कि प्योर केमिकल प्रोसेस है विच इज अनफेवरेबल, पैसिवेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्साइड अपग्रेडिंग इज अ सेकेंड मेथड जो कि है केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस जो कि हमारी फेवरेबल है, राइट। सो यहाँ पर इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है स्लरी की पीएच वैल्यू से, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टंगस्टन सीएमपी इन डिटेल, इसका पूरा मैकेनिकल प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड यूज करते हैं, K3FeCN6 को यूज करते हैं एज अ एचेंट एज वेल एज ऑक्सीडेंट। तो यही हमारा ऑक्सीडेंट है और यही हमारा एचेंट है। सो जो केमिस्ट्री है, जो वेट एच केमिस्ट्री है उसको देखते हैं। सो यहाँ पर जो टंगस्टन है वो इस आयन के साथ जाकर रिएक्ट करता है। ये क्या है, ये आयन बना देगा, के पॉजिटिव आयन बनाएगा और FeCN6 3 नेगेटिव आयन बनाएगा। अब ये जो FeCN6 3 नेगेटिव आयन है ये जाकर टंगस्टन और H2O वाटर के साथ जाकर रिएक्ट करता है और टंगस्टन ऑक्साइड बना देता है, WO4 2 नेगेटिव आयन बना देता है, इसके साथ 6 FeCN6 4 नेगेटिव आयन प्लस 8 हाइड्रोजन आयन, राइट। सो अब इसके बाद पैसिवेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें टंगस्टन 6 FeCN6 3 नेगेटिव और 3 H2O के साथ जाकर रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है। यहाँ क्या था, ऑक्साइड आयन बनाया था, राइट। और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को कंट्रोल, H2O को कंट्रोल कर देंगे, वाटर वेपर को हमने कंट्रोल करा, 3 units ऑफ वाटर वेपर के साथ टंगस्टन की 1 unit और 6 unit हमने पोटेशियम फेरिसाइनाइड की रिएक्ट करवाई, तो यहाँ पर टंगस्टन ऑक्साइड बन जाएगा, WO3 बन जाएगा, राइट। और इसके साथ फिर से हमारे पास 6 FeCN6 3 नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ये बार बार रीजनरेट होता रहेगा और ये टंगस्टन के साथ जाकर रिएक्ट कर टंगस्टन ऑक्साइड बनाता रहेगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवा रहा है, राइट, टंगस्टन की। सो जो टंगस्टन की सीएमपी है, यूजुअली इट इज अ 2-step प्रोसेस, 2-step प्रोसेस रहती है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, टंगस्टन को, जो बल्क टंगस्टन है उसको रिमूव करवाते हैं, पीएच लेस देन 4 यूज करते हैं हम, स्लरी ऐसा यूज करते हैं जिसका पीएच लेस देन 4 है। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, टाइटेनियम और टाइटेनियम नाइट्राइड है जो स्टैक्ड और बैरियर और एडिशन लेयर है उसको हम रिमूव करवाते हैं स्लरी से जो कि पीएच ग्रेटर देन 9 है, राइट। सो यहाँ पर मेटल सीएमपी प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पर मेटल है, मेटल के ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये एब्रेसिव एल्यूमिना पार्टिकल है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास वेट एचिंग हुई है सॉफ्ट ऑक्साइड, ये जो है ऑक्साइड बन रहे हैं मेटल के ऊपर, राइट। ये जो लेयर है ये मेटल के ऑक्साइड बन रहे हैं, ऑक्साइड किससे बन रहे हैं, पोटेशियम फेरिसाइनाइड से, राइट। सो यहाँ पर पोटेशियम फेरिसाइनाइड से क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेंगे। अब ये जो एब्रेसिव एल्यूमिना पार्टिकल है उस ऑक्साइड को रिमूव करता रहेगा, इनको एच करता रहेगा, राइट। सो यहाँ पर वेट एचिंग भी हो सकती है सॉफ्ट ऑक्साइड की और हम यहाँ पर एल्यूमिना पार्टिकल से वेट एचिंग करा सकते हैं, मैकेनिकल एचिंग भी हम करा सकते हैं। ये है पूरा स्लरी, राइट। ऊपर हम पॉलिशिंग पैड रखेंगे जिससे प्रोसेस फास्ट हो जाए। कमिंग टू द कॉपर सीएमपी, कॉपर सीएमपी अब डिफिकल्ट है, राइट। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एचिंग प्रोसेस, राइट। इट इज डिफिकल्ट टू प्लाज्मा एच कॉपर, प्लाज्मा के साथ भी कॉपर की एचिंग डिफिकल्ट होती है क्योंकि यहाँ पर वॉलेटाइल इनऑर्गेनिक कॉपर कंपाउंड लेस है, राइट। सो वॉलेटाइल कंपाउंड लेस है जिससे कि कॉपर
कुछ ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा जिससे कॉपर गैस स्टेट में जाकर वहां से सरफेस से उड़ नहीं जाएगा, राइट। सो अब आपको ये समझ आया कि कॉपर के ऐसे कंपाउंड कम हैं जो गैशियस स्टेट में सीधा चले जाते हैं, वॉलेटाइल हो जाते हैं, राइट। सो इसकी वजह से आई कैन से प्लाज्मा एचिंग ऑफ कॉपर इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। जो कॉपर सीएमपी है, कॉपर मेटलाइजेशन में ये की प्रोसेस है। कॉपर की सीएमपी करना, कॉपर मेटलाइजेशन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड को H2O2 और HNO4 को ऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं, एल्यूमिना पार्टिकल को एब्रेशन के लिए यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम CuO2 बनाते हैं, ऑक्सीडेशन कर कॉपर का ऑक्साइड बनाते हैं, बट ये पोरस होता है और ये पैसिवेशन लेयर इजीली नहीं बनाता है, जिससे कि कॉपर ऑक्सीडेशन स्टॉप फर्दर हो जाती है, राइट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। CuO2 पोरस होता है, इससे पैसिवेशन लेयर नहीं बनती है और इससे फर्दर कॉपर ऑक्सीडेशन स्टॉप नहीं होता है, राइट। सो नाउ एडिटिव इज नीडेड टू एनहांस पैसिवेशन। अब पैसिवेशन जो बार बार नहीं हो रहा है उसको एनहांस करने के लिए हमें एक एडिटिव चाहिए होता है, जिसमें अमोनिया इज वन ऑफ द एडिटिव विच इज यूज इन स्लरी। अमोनिया को एज अ एडिटिव यूज करते हैं। कुछ और एडिटिव्स भी हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, इथेनॉल, बेंजो, ट्रायजोल, ये सब हम एज अ एडिटिव यूज करते हैं और इट कैन बी यूज एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऑल्सो। वेट एचिंग का इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह इन्हें यूज किया जा सकता है। नाउ जो कॉपर मेटलाइजेशन के लिए जो प्रोसेस यूज होती है वो है डुअल डेमासीन प्रोसेस, राइट। ये हमने मेटलाइजेशन में भी पढ़ा था, डुअल डेमासीन प्रोसेस कॉपर मेटलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर बल्क कॉपर और बैरियम टेंटेलम लेयर रिक्वायर्ड होती है, राइट। दोनों को रिमूव करना चाहिए विद द CMP प्रोसेस। तो अब जब हम कॉपर की बात कर रहे हैं, डुअल डेमासेंस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो हमें बल्क कॉपर को रिमूव करना चाहिए और टेंटेलम लेयर को रिमूव करना चाहिए बाय द CMP प्रोसेस, राइट। सो जो कॉपर की जो स्लरी है वो टेंटेलम को इजीली रिमूव नहीं कर पाएगी, राइट। तो हमें टेंटेलम के लिए दूसरी स्लरी यूज करनी पड़ेगी। द लेंथी ओवर पॉलिशिंग स्टेप फॉर टेंटेलम रिमूवल कैन कॉज कॉपर रिसेस। अब जब टेंटेलम के लिए जब स्लरी यूज करेंगे, उसकी एक लेंथी पॉलिशिंग प्रोसेस स्टेप यूज करेंगे, तो उससे कॉपर भी रिमूव हो जाएगा और कॉपर में रिसेस आएगा और डिशिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको याद होगा डिशिंग इफेक्ट क्या है, CMP बेसिक्स में हमने डिस्कस करा था। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से। सो ये जो अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास है, टेंटेलम और बैरियर लेयर है ये ब्लू वाली, और यहाँ पर कॉपर फील्ड है, राइट। कॉपर डेपोजिशन के ऊपर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बल्क कॉपर रिमूवल। बल्क कॉपर रिमूवल कर दिया, राइट। अब हमारे पास लेयर ऐसी दिखेगी, राइट। अब टेंटेलम को पॉलिश करने के लिए जब हम सेकेंड स्लरी यूज करते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये डिशिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया है, राइट। सो ओवर पॉलिशिंग जब हुई तो टेंटेलम के लिए, तो यहाँ पर डिशिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया। जब पूरा टेंटेलम रिमूव करा तो ये पूरा डिशिंग और रिसेशन क्रिएट हो गए। सो कॉपर CMP इज अ टू स्लरी पॉलिशिंग। फर्स्ट स्लरी से क्या होता है, बल्क कॉपर लेयर रिमूव होते हैं, और सेकंड स्लरी से टेंटेलम बैरियर लेयर रिमूव होती है। जो टू स्लरी CMP प्रोसेस है, इससे कॉपर रिसेशन और डिशिंग हो जाता है और ऑक्साइड इरोजन इफेक्ट आ जाता है, राइट। सो यहाँ पर मल्टीपल पॉलिशिंग होती है, जिससे हमारे पास ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगी, राइट। मल्टीपल पॉलिशिंग प्लेटर्स ग्रेटली सिंप्लीफाई मल्टी स्लरी CMP प्रोसेसिंग। तो मल्टीपल पॉलिशिंग प्लेटर्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिससे सिंप्लीफाई हो जाता है। नाउ CMP एंड पॉइंट डिटेक्शन। अब एंड पॉइंट का डिटेक्शन कैसे होता है, राइट। सो मोटर करंट को हम मॉनिटर कर सकते हैं या फिर ऑप्टिकल मेजरमेंट्स कर सकते हैं। दो ही तरीके हैं, मॉनिटरिंग द मोटर करंट एंड सेकेंड ऑप्टिकल मेजरमेंट। सो अभी पहले डिस्कस करते हैं मोटर करंट से कैसे CMP एंड पॉइंट हम डिटेक्ट करते हैं, राइट। सो जब CMP प्रोसेस एंड की तरफ जाने लगती है, जो पॉलिशिंग पैड है वो, उससे क्या होता है, पॉलिश के जो अंडरनीथ लेयर है, जैसे अगर ऑक्साइड के नीचे अगर हमारे पास सिलिकन लेयर है, पहले तो पॉलिशिंग पैड ऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आएगा, जैसे पूरा पॉलिश हो जाएगा तो पॉलिशिंग पैड सिलिकन के कॉन्टेक्ट में आने लग जाएगा, जिससे फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होने लग जाएगा, राइट। ऑब्वियसली ऑक्साइड का फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा और सिलिकन का फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा, राइट। जो पॉलिशिंग हेड रोटेटरी मोटर है, उसका जो करंट है वो पहले तो कॉन्स्टेंट था, राइट। अब उसके बाद जैसे ही हम सरफेस चेंज करेंगे, वो करंट चेंज हो जाएगा। कैसे, द करंट ऑफ द पॉलिश हेड रोटेटरी मोटर विल चेंज। कैसे चेंज होएगा, अगर सिर्फ हम ऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं तो जो करंट होगा पॉलिशिंग हेड का, जो रोटेटरी मोटर है उसका,
वो कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे ही ऑक्साइड से सिलिकॉन आया, ये करंट चेंज हो जाएगा जिससे कि कांस्टेंट पैड रोटेशन रेट रहे। हमने पैड रेट रोटेशन हमने कितना कर रखा है, इसे कांस्टेंट कर रखा है। पैड रोटेशन रेट वॉज कांस्टेंट, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए जो करंट है पॉलिशिंग हेड में वो चेंज करना पड़ेगा अगर ऑक्साइड से हम सिलिकन की तरफ जाते हैं। अब ये अगर हम मोटर करंट का जो चेंज है इसको मॉनिटर करें तो हमें एंड पॉइंट सीएमपी प्रोसेस का मिल जाएगा। जैसे ही मोटर करंट चेंज होता है वी कैन से कि हमारा जो एंड पॉइंट आ गया है। अब आप देख पा रहे हैं मोटर करंट, जैसे अब हमारे पास कॉपर है तो ये हमारे पास मोटर करंट है, टेंटेलम है तो ये है। अब जैसे ही ऑक्साइड आएगा तो मोटर करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस जो इंक्रीज हुआ है, इस पॉइंट पर आकर अगर हमें करंट ऑब्जर्व करेंगे, चेंज करंट चेंज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक पहुंच गया है, तो इस चेंज को ऑब्जर्व करने पे हमें पता लग जाएगा कि हमारी सीएमपी प्रोसेस हो चुकी है। नाउ सेकंड थिंग इज ऑप्टिकल एंड पॉइंट। ऑप्टिकल एंड पॉइंट डाइलेक्ट्रिक के लिए देखते हैं, राइट। सो एंड पॉइंट या तो थिकनेस मेजरमेंट से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पहले देख सकते हैं कि इनिशियल थिकनेस कितनी है ऑक्साइड की, बाद में थिकनेस कितनी है, उससे हम एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है। अगर हमारी फिल्म की थिकनेस चेंज हुई है तो इससे पीरियोडिकली इंटरफेरेंस का स्टेट चेंज होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हम थिकनेस को चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक फिल्म है उसकी जो थिकनेस चेंज है वो मॉनिटर की जा सकती है बाय द चेंज ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें जो चेंज आया है उससे डाइलेक्ट्रिक फिल्म की थिकनेस चेंज को मॉनिटर किया जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक फिल्म है, यहाँ से जो लेजर है लाइट दे रही है। एक तो लाइट हमारे पास डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, दूसरी लाइट अंदर चले जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा और बाहर आएगी। अब ये दोनों लाइट में हमारा इंटरफेरेंस होएगा, राइट, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा और फोटो डिटेक्टर पर हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप देख पा रहे हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट। तो अब मेटल के लिए हम क्या करेंगे, मेटल के लिए रिफ्लेक्टिविटी चेंज को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द चेंज ऑफ रिफ्लेक्टिविटी इज यूज्ड फॉर सीएमपी प्रोसेस एंड पॉइंट डिटेक्शन। जो मेटल सरफेस है वो हाई रिफ्लेक्टिविटी का होता है और रिफ्लेक्टिविटी रिमूव हो जाती है सिग्निफिकेंटली जैसे ही मेटल सरफेस रिमूव होता है, जिससे कि हमें एंड पॉइंट मिल जाता है, राइट। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास है, उसके ऊपर मेटल फिल्म है। तो जब मेटल फिल्म थी लेजर डाला यहाँ पर तो फोटो डिटेक्टर पर सिग्निफिकेंट लाइट आई। अब यहाँ पर लेजर डाला अनडोप्ड सिलिकेट ग्लास पर तो यहाँ रिफ्लेक्टिविटी डिक्रीज हो गई, लाइट की इंटेंसिटी फोटो डिटेक्टर पर बहुत कम डिटेक्ट हुई। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा इस एरिया में एंड पॉइंट है कहीं। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। दीज आर द रेफरेंसेज, वेरी अमेजिंग बुक्स विच यू कैन रेफर। आई होप आपको सेशन पसंद आया, पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नोट्स चाहिए यू कैन एक्सेस आर मोबाइल ऐप, और मोबाइल ऐप में आपको सारे नोट्स और बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।